हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्टडी विद पूनम चटूर के साथ। तो आज कल की वीडियो में हमने शिमला शहर, जो शिमला ज़िला है, उसकी रियासतों के बारे में पढ़ा था, जिसमें से एक रियासत हमारी बच गई थी, वो थी बुशहर रियासत, जिसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। और इसके साथ साथ ही हम शिमला शहर का इतिहास भी पढ़ेंगे कि शिमला का नामकरण कैसे हुआ, उसकी खोज कैसे हुई, उसके अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ हुई थी वो सारी हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं बुशहर रियासत। बुशहर रियासत जो थी उसका संस्थापक थे प्रद्युम्न, जो कि श्री कृष्ण के पुत्र थे। वह अपने पुत्र अनिरुद्ध, उनका एक पुत्र था अनिरुद्ध, का विवाह शोणितपुर के राजा बाणासुर की पुत्री से करने आए थे। बट जो बाणासुर था वो नहीं मान रहा था, और जिसके कारण उनके बीच में युद्ध हुआ, और युद्ध में जो है बाणासुर की मृत्यु हो गई। और मृत्यु के बाद जो है प्रद्युम्न ने बुशहर रियासत की स्थापना करी, और वहाँ की जो राजधानी है उसे कामरू स्थापित वहाँ की जो राजधानी है वो कामरू स्थापित की। और जो बुशहर रियासत के 110वें वंशज थे, जो इस वो थे राजा चतर सिंह, और जो राजा चतर सिंह थे उन्होंने कामरू से जो है राजधानी वो सराहन स्थानांतरित की। क्या पढ़ा हमने इसके बारे में कि प्रद्युम्न ने इसकी स्थापना करी थी, कामरू इसकी जो बुशहर की रियासत कामरू स्थापित की थी, और उनके जो 110वें वंशज थे उन्होंने कामरू से सराहन स्थानांतरित की थी। ठीक है, अगला इसमें इम्पोर्टेंट राजा आते हैं हमारा। सबसे पहला है राजा कहरी सिंह। राजा कहरी सिंह को अजान बाहू के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि वो सीधे खड़े होकर अपने घुटने छू सकते थे। औरंगजेब ने कहरी सिंह को छत्रपति के खिताब से सम्मानित किया था, और राजा कहरी सिंह ने लभी मेले की शुरुआत की थी। उन्होंने ये एक व्यापारिक मेला है, उन्होंने अपने व्यापार को बढ़ावा देने के लिए लभी मेले की शुरुआत की थी। नेक्स्ट हमारा आता है राजा राम सिंह। इनका जो कार्यकाल था, यानी जिसको हम शासनकाल भी बोलते हैं, वो है 1767 से 1799। ठीक है, राजा राम सिंह ने 1776 में स्पीति से ढाकर दुर्ग एक किला है, उसको अपने अधीन किया, और जो राजधानी थी वो शहर की उसे सराहन से रामपुर स्थानांतरित किया। क्या सराहन से रामपुर इन्होंने क्या है राजधानी को स्थानांतरित किया। अगला आता है हमारा इस बुशहर रियासत का राजा, राजा शमशेर सिंह। राजा शमशेर सिंह ने 1857 के विद्रोह में अंग्रेज़ों का साथ नहीं दिया था। ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि ऐसी कौन सी रियासत थी जिन्होंने 1857 के विद्रोह में अंग्रेज़ों का साथ नहीं दिया था, तो वो थे बुशहर रियासत। और बुशहर रियासत का राजा कौन था, राजा शमशेर सिंह। ठीक है, अगला आता है हमारा राजा पदम सिंह। ये जो बुशहर रियासत का अंतिम शासक था, कौन था, राजा पदम सिंह। इतनी ही इसके बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। नेक्स्ट आता है, अब हम पढ़ते हैं इसमें शिमला रियासत के जो सबसे शिमला के ज़िले की जो सबसे बड़ी रियासत थी वो थी बुशहर रियासत, और सबसे छोटी थी हमारी रतेश रियासत। तो अगला हम पढ़ते हैं शिमला शहर का इतिहास। वो हम शिमला ज़िले का इतिहास पढ़े थे, ये हमारा है शिमला शहर का इतिहास। तो सबसे पहले शिमला के नामकरण से स्टार्ट करते हैं। शिमला का नामकरण कैसे हुआ, शिमला का नामकरण श्यामला देवी यानी श्यामला देवी के नाम पे पड़ा था, जिनको हम नीली महिला के रूप में भी जानते हैं, जो भगवती काली का दूसरा रूप था। ठीक है, दूसरा रूप उनको मानते हैं, श्यामला देवी के नाम पर शिमला शहर का नाम पड़ा है। तो ब्रिटिश सरकार ने 1816 में शिमला ज़िले का गठन किया, किसने करा था, ब्रिटिश सरकार ने कब करा था, 1816 ईस्वी में शिमला ज़िले का गठन किया था। ठीक है, आगे आता है हमारा शिमला की खोज। शिमला की खोज लेफ्टिनेंट रोज ने 1819 में शिमला की सर्वप्रथम खोज की, और वहाँ पे एक कॉटेज बनाया, लकड़ी का मकान बनाया उन्होंने। ठीक है, अब चार्ल्स पैट कैनेडी ने 1822 में शिमला में पहला पक्का मकान बनाया था। किसने, चार्ल्स पैट कैनेडी ने, जो कैनेडी हाउस के रूप में विख्यात हैं। किसके रूप में है, कैनेडी हाउस के रूप में विख्यात हैं। आगे आता है हमारा लॉर्ड एम हर्स्ट शिमला आने वाले पहले गवर्नर जनरल थे। कौन, लॉर्ड
हर्स्ट, ठीक है। लॉर्ड काम्बर मेयर ने 1828 में काम्बर मेयर पुल का निर्माण कराया था, अपने नाम पे ही उन्होंने कराया था, कब, 1828 में। अब हम जान लेते हैं शिमला शहर के बारे में मुख्य बातें, जो कि हमारी स्टार्ट हो जाती है 1830 से लेकर हम 1966 तक इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहली बात आती है कि मेजर कैनेडी ने शिमला पहाड़ी क्षेत्र में आलू की खेती शुरू करवाई थी। किसने करवाई थी? मेजर कैनेडी ने। कर्नल जे बाइलू ने 1844 में ऑब्जर्वेटरी हाउस का निर्माण करवाया था, जो बाद में वाइस रिगल लॉज बना, पर पहले 1844 में जब उसका निर्माण हुआ था तो ऑब्जर्वेटरी हाउस था। अगला है गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग और कलकत्ता के विशप रे डेनियल विल्सन ने 1844 में शिमला में क्राइस्ट चर्च की नींव रखी, और 1857 में ये बनकर क्या हो गया था, तैयार हो गया था। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि जो शिमला में क्राइस्ट जो चर्च है वो कब बनकर तैयार हुआ था, तो वो हुआ था 1857 ईस्वी में बनकर वो तैयार हुआ था। आगे आता है हमारे लॉर्ड डलहौजी ने अपनी चीनी प्रवास, उन्होंने क्या करा था, अपने चीनी प्रवास 1850-51 ईस्वी में हिंदुस्तान तिब्बत सड़क का निर्माण करवाया, जो 1857 में परिवहन के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। किसके लिए? उसके 1857 के बाद यहाँ पे परिवहन स्टार्ट हो गया था चलना। और कब करवाया था इसका निर्माण? 1850-51 के बीच में इसका निर्माण करवाया, और 1857 में इसमें क्या हो, जो परिवहन है उसका इस्तेमाल शुरू हो गया था। आगे आता है हमारा लॉर्ड कैनिंग 1860 में शिमला आने वाले पहले वाइसराय थे। 1864 ईस्वी में शिमला भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनी थी, कब बनी थी, 1864 में शिमला भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी थी, शिमला की हिमाचल की नहीं, भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी थी शिमला। 1864 से 1947 ईस्वी तक भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी रही। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि 1864 से 1947 तक भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन सी थी, तो थी शिमला। आगे आता है हमारा 1871 में शिमला की प्रथम श्रेणी नगर पालिका का दर्जा दिया गया था, किसको, शिमला को, किसका, प्रथम श्रेणी नगर पालिका का दर्जा दिया गया था शिमला को। फिर है शिमला 1871 से 1947 तक पंजाब सरकार का ग्रीष्मकालीन मुख्यालय रहा। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि पंजाब सरकार का ग्रीष्मकालीन मुख्यालय शिमला कब से कब तक रहा था, तो 1871 से 1947 तक रहा था। आगे आता है रिज में जो टाउन हॉल है जो रिज पर, उसका बनाने का प्रस्ताव 1880 ईस्वी में आया था, जिसके बाद हेनरी जो इरविन थे उन्होंने उसका डिजाइन तैयार करा, और 1888 में टाउन हॉल बनकर तैयार हुआ था। अगला है शिमला में रिज मैदान में भूमिगत जलाशय टैंक 1880 में बनकर तैयार हुआ था, जो 1874 ईस्वी में जिसका गठन हुआ था। अलायंस बैंक ऑफ शिमला का गठन कब हुआ था, 1874 में, और ये शिमला का पहला बैंक था, ठीक है। अगला आता है हमारा शिमला की रोथनी केसल में ए ओ ह्यूम ने 1883 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का विचार रखा था, किसने, ए ओ ह्यूम ने 1833 में रखा था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का विचार रखा था, ठीक है। 1887 में महारानी जो विक्टोरिया थी उनकी जयंती पर गेटी थिएटर खोला गया, जिसमें टाइम विल टेल प्रथम नाटक का मंचन हुआ था, ठीक है, किसकी जयंती पे, महारानी विक्टोरिया की जयंती पे। फिर है कालका रेलवे लाइन का जो सर्वे करा था वो किया था भालखूराम ने, और कालका शिमला रेलवे लाइन की पर जो पहली ट्रेन चली थी वो चली थी 1903 में, जिसे लॉर्ड कर्जन ने झंडी दिखाई थी, किसने दिखाई थी, लॉर्ड कर्जन ने, ठीक है। आगे आता है हमारा लेडी रीडिंग में 1914 ईस्वी में लेडी
जो रीडिंग है वो अस्पताल बनाया गया, जो कि वर्तमान में कमला नेहरू अस्पताल के रूप में जाना जाता है। उसका कमला नेहरू, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि कमला नेहरू अस्पताल का पुराना नाम क्या था, तो था लेडी रीडिंग अस्पताल। और उसका निर्माण कब हुआ था, 1914 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 1945 में शिमला कॉन्फ्रेंस यानी वेवल सम्मेलन, शिमला में वेवल सम्मेलन, और 1946 में कैबिनेट मिशन सम्मेलन हुआ था। कहाँ हुआ था, 1945 में शिमला कॉन्फ्रेंस यानी वेवल सम्मेलन और 1946 में कैबिनेट मिशन सम्मेलन शुरू हुआ था। कब हुआ था, 1945 में। पीटर हॉप में पंजाब हाईकोर्ट था, जिसमें हाईकोर्ट तथा जिसमें गांधी जी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को का केस चला था। जो पीटर हॉफ है वो कहाँ है, शिमला में स्थित है। उसमें क्या चला था, नाथूराम गोडसे का केस चला था। ठीक है, आगे है हमारा वाइस रीगल, ये एक साथ हैं, वाइस रीगल लॉज हैं ये, वाइस रीगल लॉज 1947 ईस्वी में राष्ट्रपति निवास कहा जाने लगा। वाइस रीगल था वो लॉज था एक, 1947 में उसको राष्ट्रपति निवास के रूप में कहा जाने लगा। और 1965 में इसका नाम बदल के भारतीय उच्च अध्ययन यानी IIAS भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान नाम इसका रखा गया। और इसका निर्माण किसने करा था, लॉर्ड डफरिन ने इसका क्या करा था, निर्माण किया था। फिर है शिमला 1953 तक शिमला क्या थी, पंजाब की ग्रीष्मकालीन राजधानी थी। किसकी थी, पंजाब की ग्रीष्मकालीन राजधानी थी। आगे है 1955 में क्या हुआ था, आकाशवाणी शिमला की स्थापना हुई थी। कब हुई थी, 1955 में हुई थी। भारत और पाकिस्तान के बीच 1972 ईस्वी में समझौता हुआ था, शिमला समझौता हुआ था। किसके बीच में, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में शिमला समझौता कब हुआ था, तो कब हुआ था, 1972 को हुआ था। या ऐसा क्वेश्चन आ सकता है भारत और पाकिस्तान के बीच में 1972 में कौन सा समझौता हुआ था, वो क्या हुआ था, शिमला समझौता हुआ था। अगला है हिमाचल प्रदेश स्टेट म्यूजियम की स्थापना 1974 ईस्वी में हुई थी। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि हिमाचल प्रदेश स्टेट म्यूजियम की स्थापना कब हुई थी, तो 1974 में हुई थी। ठीक है, आगे है हमारा पीटर हॉफ वर्तमान में हिमाचल प्रदेश सरकार का स्टेट गेस्ट हाउस है। पीटर हॉफ जो है वो पहले क्या था, वहाँ पे नाथूराम गोडसे का केस चला था, वो एक हाई कोर्ट था। और अब ये क्या है, जो हिमाचल प्रदेश सरकार है उसका स्टेट गेस्ट हाउस है। ठीक है, अगला है हमारा लास्ट पॉइंट है शिमला शहर 1 नवंबर 1966 तक क्या था, 66 में क्या है, हिमाचल प्रदेश में मिलाया गया। तब से लेकर अब तक की हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। कब मिलाया गया हिमाचल में, 1 नवंबर 1966 को। और तब से लेकर अब तक क्या है, हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि शिमला शहर को हिमाचल प्रदेश में कब मिलाया गया, या फिर शिमला शहर का हिमाचल में कब विलय हुआ, 1 नवंबर 1966 को हुआ था। तो आई होप आप सभी को इसमें बनने वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं वो क्लियर हो गए होंगे। अगर वीडियो आपको यूजफुल लगे, अच्छी लगे, तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।